भगवती रुद्रूपाय श्री बाबा मस्तनाथाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धावाह, स्वस्ति न भूपा विश्वदेवाः, स्वस्ति न दारिद्रो दारिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहद्वदृद्धधातु गंधद्वारां दुरादृशां मित्रपुष्टां त्रीष्णि ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपवैश्र्याम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः भूपा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। सबसे पहले मेरा अनुरोध स्वामी रामदेव जी से कि वो अपना आशीर्वाद, स्नेह भरा आशीर्वाद योगी बालकनाथ जी को दें। हमारे डॉक्टर मार्कंडेय जी जो इस संस्थान में पूज्य महाराज जी की आज्ञा से पूज्य बाबा मस्तनाथ जी महाराज जी के उनके आशीर्वाद से उनके मार्गदर्शन में संत सदा हमारे साथ रहते हैं, उनके आशीष और उनकी आत्मा सदा उनका अनुग्रह हमारे साथ रहता है। तो मार्कंडेय जी जो बहुत बड़ी सेवा संस्था में कर रहे हैं, पूज्य महाराज श्री के आशीष को यहाँ से आप सब तक संप्रेषित कर रहे हैं। सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी को नमन करते हुए गौरीपुत्र गणेश की वंदना करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान सांब सदाशिव को माँ भवानी गणेश जी, कार्तिकेय जी एवं नंदी सहित साष्टांग दंडवत करते हुए शिव अवतार महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि आदेश आदेश करता हूँ। माया स्वरूपी दादा मसेंद्रनाथ जी एवं नौनाथ 84 सिद्धों को स्मरण करते हुए इस मठ और तपोभूमि के आदि संस्थापक चंद्रा अवतार अमरकाय योगेश्वर महासिद्ध चौरंगीनाथ जी, जिनको पूर्ण भक्त के नाम से जाना जाता है, उनको स्मरण करते हुए पुनः मठ के जीर्णोद्धारक सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ के चरणों में शीश झुकाते हुए इस अवसर पर विशेष स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से पधारे हुए स्वामी रामदेव जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और स्वामी जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये आसमां हैं फिर भी सिर झुकाए बैठे हैं, और स्वामी जी ने जितना कार्य योग के प्रचार और प्रसार के लिए इस पूरे विश्व में किया वो सब के लिए अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। अखिल भारतीय योगी महासभा के अध्यक्ष, गोरक्ष पीठाधीश्वर, गोरखपुर से सांसद श्री महंत आदित्यनाथ योगी का पूरे मठ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर पधारे हुए सभी श्रद्धे पूज्य 8 मानधारी पीर महंत, 32 धुनी के सभी सम्मानित पंचगण तथा फतेहपुर शेखावटी से आए हुए महंत नरहरिनाथ जी, अम्बाला से पधारे पीर पारसनाथ जी, हरिद्वार योगी महासभा के महामंत्री महंत चेताईनाथ जी, 12 तथा 18 के दोनों श्री महंत कृष्णनाथ तथा महंत सोमवारनाथ जी, कीनू से आए महंत सूरजनाथ जी तथा आए हुए सभी योगेश्वरों का इस अवसर पर समूचे मठ व विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नाथ संप्रदाय की इस गौरवशाली परंपरा में मठ अस्थलबोर का स्वर्णिम इतिहास रहा है।
इस समृद्ध परंपरा में अनेक सिद्धों, तपस्वियों, महंतों एवं योगेश्वरों का विशेष योगदान रहा है। उन सभी को नमन करता हूँ। विशेष तौर पर दिवंगत चाचा गुरु महंत अमरनाथ जी, मेरे बड़े गुरु भाई स्वर्गीय धनीनाथ जी, तपस्वी संत खेतानाथ जी, गुरु भाई तपस्वी पालनाथ जी और योगी महासभा के महामंत्री रहे दिवंगत योगी अनंतनाथ जी तथा नौजवान शिष्य योगी महासभा के महामंत्री रहे दिवंगत योगी प्रमोदनाथ जी का भी स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने सदैव इस तपोभूमि की उन्नति में चार चांद लगाए हैं। ऐसे तपोनिष्ठ कर्मशील हम सबके श्रद्धा का केंद्र वयोवृद्ध पुजारी श्री हदयारीनाथ जी का भी मैं साधुवाद करता हूँ, जो हम सब के लिए एक आदर्श हैं। दिवंगत श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज, जो कि नाथ संप्रदाय के भूषण थे, उनको भी इस अवसर पर याद किए बिना रहा नहीं जा सकता। मान सम्मान के योग्य गुरु भाई हथवाला से पधारे महंत जुगतीनाथ जी, जिनका पिछले 20 वर्षों में बाबा मस्तनाथ मठ में प्रज्वलित अखंड धुनियों की ज्योतियों में घी की पूर्ति में विशेष योगदान है, उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महामंडलेश्वर गौकरण तीर्थ के पीठाधीश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज हमारे बीच विद्यमान हैं। बाबा कर्णपुरी जी महाराज तथा डेरा बाबा मेहर शाह कलानौर से पधारे ईश्वर शाह जी महाराज का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वामी रामदेव जी महाराज के बारे में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा परिवर्तित हठ योग की परंपरा के कोई प्राचीन सिद्ध हठ योगी इस जन्म में हम सब के बीच स्वामी रामदेव के रूप में आए हैं और विश्व में योग की चेतना आज के युग में उन्होंने जगाई है। हम सबको गर्व है कि अल्प आयु में ही गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी ने भी नाथ परंपरा में एक अनूठा एवं अनुपम उदाहरण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे सिद्ध शिरोमणि बाबा जी मस्तनाथ जी ने भरपूर जीवन दिया और सदैव अपने आशीर्वाद से इस मठ के कायाकल्प और योग की अक्षुण परंपरा को आगे बढ़ाने में सदा ही मार्ग दिखाया है। इस नाशवान जगत में सभी वस्तुएं भौतिक रूप से बनती और बिगड़ती रहती हैं, न मालूम इस संसार से कब किसको कूच करना पड़ जाए, इसलिए मठ की जो उत्तराधिकार देने की गौरवमयी परंपरा रही, उसी का अनुसरण करते हुए मैं आज अपनी ओर से अपने सुयोग्य और सुपात्र शिष्य योगी बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता था कि मैं अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूं, उसी मर्यादा का आज पालन करते हुए मैं अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूं। बाबा मस्तनाथ जी के शुभ आशीर्वाद का ही ये फल है कि जो सहयोग मुझे मेरे पूर्वजों, गुरु भाइयों, शिष्यों और अनेक योगियों साधुओं की ओर से मिला, उन सभी का विशेष आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मठ द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के कार्यकारिणी के सदस्यों एवं भिन्न भिन्न पदों पर रहे कर्मचारियों ने भी समय समय पर अपना योगदान इसकी उन्नति के लिए दिया है, उन सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज नियुक्त किए गए उत्तराधिकारी को भी भविष्य में ऐसा ही योगदान देते रहेंगे। इस अवसर पर विशेष तौर से डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय को अपना विशेष आशीर्वाद, स्नेह और शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि जिस तरह वह विशेष जिम्मेदारी से मेरा साथ निभाते रहे, वह नए उत्तराधिकारी के साथ भी उसी तरह निभाते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनश्च सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए इस अवसर पर आए आप सभी का मठ एवं विश्वविद्यालय की ओर से हृदय से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय बाबा मस्तनाथ। आप सभी
का मठ है, आप सभी का प्रेम है, आप सभी का आशीर्वाद स्नेह मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी रामदेव जी को अनुरोध करता हूं कि वो अपना विशेष आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। स्वामी रामदेव जी महाराज। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्य सखा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टि के आदि काल से एक अरब 96,08,03,118 वर्षों से हमारी ऋषियों की, योगियों की, सन्यासियों की, तपस्वियों की ये पावनी परंपरा चली आई है। और इस परंपरा को एक महापुरुष ने, एक ऋषि ने, एक योगी ने, एक तपस्वी ने निभाया तो उसने अपना अगला उत्तराधिकारी दिया। और ऐसे हमारी ये ऋषियों की, योगियों की, सन्यासियों की, महापुरुषों की परंपरा हम तक चली आई है। एक गृहस्थ की परंपरा होती है जिसको श्रेय मार्ग कहते हैं, और दूसरी सन्यासियों की परंपरा होती है उसको गृहस्थ की परंपरा को प्रिय मार्ग कहते हैं, और ये ऋषियों की, सन्यासियों की परंपरा इसको श्रेय मार्ग कहते हैं। इस श्रेय मार्ग में जैसे प्रिय मार्ग पर उसका कोई गृहस्थ का पुत्र, बेटा या बेटी उसका उत्तराधिकारी होता है, ऐसे ही श्रेय मार्ग पर इस सन्यास के योगियों के, ऋषियों के मार्ग पर एक सन्यासी का, एक योगी का, एक महापुरुष का, एक योगी सन्यासी महापुरुष उत्तराधिकारी होता है। और ये परंपरा हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से चली आई है। उसी परंपरा का निर्वहन आज नाथ परंपरा के भूषण, योगियों, सिद्धियों, सिद्ध महापुरुषों के गौरव पूज्य बाबा मस्तनाथ जी महाराज जी, जो सदा सूक्ष्म रूप से हमारे साथ उपस्थित हैं, और उन्हीं की पावन निष्ठा में, उन्हीं के प्रतिरूप के रूप में महापुरुषों की एक लंबी परंपरा यहाँ पर रही है, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज ये जो एक बहुत बड़ी, एक आध्यात्मिक ऐतिहासिक घटना यहाँ पर हो रही है कि हमारे नाथ परंपरा के सभी महापुरुषों की पावन उपस्थिति में जो सिद्ध पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, उन सब की पावन निष्ठा में, उन सब के अनुग्रह से, उन सब के आशीष से, और हमारी नाथ परंपरा के गौरव, हमारी सन्यास और योगियों की परंपरा के गौरव पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ जी महाराज जी के पावन सानिध्य में, जिन महाराज जी के साथ में मेरा एक अभिन्न संबंध है और लगभग 2 दशकों से उस प्रेम के वशीभूत होकर के ही बचपन से जिस गांव में इस देह का जन्म हुआ वहाँ नाथ परंपरा के महापुरुष आते रहते थे। हमें ये नमस्ते और राम राम तो बहुत बाद में हमने सुने, बस एक ही शब्द हमको आता था आदेश महाराज, क्योंकि मंदिर में कोई भी महापुरुष आते थे तो वहाँ आदेश महाराज करते थे। हमको ये नहीं पता था इस आदेश महाराज का अर्थ क्या है। मंदिर में जाते थे और जो भी महापुरुष वहाँ होते थे उनको हम आदेश महाराज करके मत्था टिकाते, वो 2 बतासे हमको दे दिया करते, वो बतासे लेके आ जाते, अमावस्या पूर्णिमा को वहाँ सत्संग हुआ करता, वहाँ मैं भजन गाया करता था। तो हमको ये पता नहीं था कि हम इस योगियों की परंपरा में आ जाएंगे। भाई देखो ना भाई, संप्रदायों में अलग अलग परंपराएं हो सकती है लेकिन योग में कोई भिन्न परंपरा नहीं है। इसलिए चाहे दशनामी संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय हो, कोई अलग अलग संप्रदाय हो, भाई हम तो योग के संप्रदाय के। और पूज्य महाराज चांदनाथ जी से वो एक आत्मीयता का, एकत्व का संबंध, वो भगवान के विधान से जुड़ गया। और कुछ लोग काफी दिनों से सोच रहे थे कि महाराज जी की तबीयत थोड़ी नासाज रहती है। मैं आज अभी जब मठ से आ रहे थे दर्शन करके समाधि के, तो हम कह रहे थे महाराज अब
सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, अब दोनों गुरु चेलों को हम हरिद्वार लेके जाएंगे आज। महाराज जी को स्वास्थ्य देंगे, महाराज जी को कल भी पूज्य आचार्य बाक्षण जी महाराज जी बात कर रहे थे कल परसों, तो अभी महाराज जी को जितना भी उपचार है वो तो चल ही रहा है, आयुर्वेद की औषधियाँ भी चल रही हैं और एक एक घंटा महाराज जी प्राणायाम भी कर रहे हैं। तो हम सबकी ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि उत्तराधिकारी तो नियुक्त कर ही दिया है, महाराज जी का भी सान्निध्य हमको ऐसे लगातार मिलता रहेगा, ऐसे हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और ये महापुरुषों की भूमि है, महाराज जी हमारे बीच में रहेंगे और इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और रही बात बालकनाथ की, तो ये ऐसे तो बहुत होनहार सन्यासी है, योगी है, लेकिन अभी थोड़ा भावुक होना एक व्यक्ति की जो मनस्थिति होती है, अंतर की श्रद्धा भक्ति भाव होता है, उसमें स्वाभाविक है। लेकिन अपने हौसले के साथ सब महापुरुषों ने इतना आशीर्वाद दिया है, ये अपने योगियों की ऋषियों की परंपरा को ऐसे ही गौरव के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैंने महाराज जी से कहा है कि इनको 2-3 साल हम अपने पास में रखेंगे, इनको वेद शास्त्रों की भी थोड़ी शिक्षा देंगे, जो हमारी नाथ परंपरा की शिक्षा दीक्षा तो महाराज जी ने दे ही दी है। तो ऐसे ही हमारी ऋषियों की पावनी परंपरा रही है और इस परंपरा में ये एक संकल्प होता है और वो संकल्प पूज्य बाबा मस्तनाथ जी को सब योगियों ऋषियों मुनियों को साक्षी मान करके इस बालक ने यहाँ सब महापुरुषों के बीच में वहाँ पर लिया था। तो मैं उसके 2-4 शब्द यहाँ पढ़ने के लिए मैंने कहा भाई ये शपथ पत्र मेरे को दो जरा संकल्प पत्र, कि यहाँ पर ये स्थल अबोहर कि महंत होने का उत्तराधिकारी होने का जो संप्रदाय की मर्यादा और जो संप्रदाय की परंपराएं मैं उसका अनुसरण करूंगा, आज के बाद मेरा अपना कोई निजी जीवन नहीं होगा, ना ही कोई निजी संपत्ति होगी। दुनिया में उत्तराधिकारी बनता है संपत्ति के लिए, और यहां एक साधु जब उत्तराधिकारी बन रहा है तब संकल्प ले रहा है। लोग कहते हैं मेरी प्राइवेट लाइफ अलग है, मेरी सोशल लाइफ पॉलिटिकल लाइफ अलग है, यहां बोल रहे हैं कि आज के बाद मेरा कोई निजी जीवन नहीं होगा, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी, ना ही कोई निजी संपत्ति होगी। मैं आज से तन मन धन से बाबा मस्तनाथ जी के चरणों में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। मेरा आचरण तथा चरित्र नाथ संप्रदाय की परंपराओं तथा नियमों के अनुरूप रहेगा। हमारे नाथ संप्रदाय के महापुरुषों ने बहुत ऊंची आदर्श आध्यात्मिक परंपराएं नाथ संप्रदाय की स्थापित की हैं, जिसमें हठ योग है, राजयोग है, अलग अलग प्रकार की समाधि की परंपराएं हैं, ध्यान की परंपराएं हैं, योग की परंपराएं हैं, उनका अनुसरण करते हुए पूर्ण पवित्रता संयम नियम से जीवन को जीना, इस परंपरा के अनुरूप मेरा जीवन रहेगा। मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी के साथ संप्रदाय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं गद्दी द्वारा स्थापित सभी स्थान मंदिर एवं संस्थानों की उन्नति के लिए सदैव तत्पर एवं प्रयासरत रहूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। तो ये है नाथ संप्रदाय की परंपरा का, ये बालक जो है बालकनाथ का एक संकल्प। और इनसे भी 2-2.5 वर्ष की कम उम्र में महाराज श्री ने इस गद्दी को इस परंपरा को संभाला था और आज पूरे नाथ संप्रदाय का गौरव के रूप में, पूरे हमारी सन्यास की योगियों की परंपरा के गौरव के रूप में महाराज श्री ने बहुत बड़ा जैसे पुरुषार्थ किया है। तो आज हम सब जितने भी यहाँ पर योगी सन्यासी महापुरुष यहाँ पर आए हैं पूज्य महाराज श्री के इस संकल्प को अपना समर्थन देने के लिए, और हमारी महापुरुषों की जो परंपरा रही है कि इस गद्दी पर जो बैठा वो पूज्य मस्तनाथ जी महाराज जी का प्रतिरूप है। मूलतः तो हम सब भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, गुरु गोरखनाथ गुरु मत्स्येंद्रनाथ आदि जो हमारे सिद्धों की योगियों की महापुरुषों की परंपरा रही है हम उसी के प्रतिनिधि हैं। और गुरु परंपरा में इस मठ पर जो भी बैठा
वो पूज्य बाबा मस्तनाथ जी का रूप है, चाहे वो पूज्य महाराज जी सहनाथ जी हों, चाहे वो पूज्य बालकनाथ जी महाराज जी हों। अब ये बालकनाथ जी चाहे कम उम्र के हैं, लेकिन आज से यह हमारे लिए पूज्य बाबा मस्तनाथ जी महाराज जी के, पूज्य बाबा श्रवणनाथ जी महाराज जी के, जिन महापुरुषों को तो हमने देखा ही अपनी आँखों से, और पूज्य महाराज जी चांदनाथ जी के ही रूप है, तो आज से हमारे लिए ये श्रद्धे हैं, ये हमारे लिए पूज्य है। हो सकता है कुछ इनके मित्र होंगे जो इनके साथ रहे हैं, लेकिन मित्रता आंतरिक प्रेम है, लेकिन जो गद्दी की परंपरा है, जो महापुरुषों की परंपरा है, उस परंपरा को गौरव देते हुए सब आज से बालकनाथ जी के प्रति श्रद्धा भाव रखें, इनके प्रति पूज्य भाव रखें, और ये भी अपने उस गौरव को ऐसे ही बना के रखेंगे ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। ये सारा जो सारी जो परंपरा, ये श्रद्धा पर टिकी है, ये विश्वास पर टिकी है, ये भरोसे पर टिकी है, और ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये विश्वास, यही सबसे बड़ी ताकत है हमारे अध्यात्म की, हमारे जीवन की। भरोसे पर तो सारी दुनिया टिकी। देखो यूं तो ये जो दिखता है, ये सारा मूर्त रूप जगत दिखता है, एक भगवान का हम भरोसा ही तो करते हैं, विश्वास ही तो करते हैं, और उस भगवान के विधान को मानते हैं। ऐसे ही जैसे प्रभु अमूर्त रह करके सारे जगत को मूर्त रूप देता है, और उसके ऊपर हम विश्वास रख के जीवन में आगे बढ़ते हैं, और ये अध्यात्म का मार्ग तो सारा विश्वास पर टिका है, ऐसे ही ये गुरु परंपरा भी ये श्रद्धा की परंपरा है, ये विश्वास की परंपरा है, ये भरोसे की परंपरा है। और इस परंपरा को पूज्य महाराज जी ने पूरी प्रामाणिकता से निभाया, और अभी भी वो निभा रहे हैं, और अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, जिससे कि महापुरुषों की ये परंपरा, योगियों की, सन्यासियों की, ऋषियों की परंपरा आगे बढ़ती रहे। और हमें पूरा विश्वास है पूज्य महाराज श्री का, यद्यपि सानिध्य हमें और लम्बा मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और उनके निष्ठा में, उनके सानिध्य में यह हमारे श्रद्धे पूज्य वंदनीय हमारे बालकनाथ जी महाराज, वो भी इस परंपरा को ऐसे ही गौरव के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। और पूज्य महाराज जी यद्यपि बोलने में गले में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन अभी पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ जी आशीर्वाद देंगे, उसके बाद दो तीन शब्द, दो चार लाइन तो ज़रूर बोलेंगे ही। तो पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ जी महाराज, जो एक युवा सन्यासी हैं, एक विद्वान सन्यासी हैं, एक तपस्वी योगी सन्यासी हैं, और ऐसे योगी सन्यासी होने के साथ साथ वो एक योद्धा सन्यासी भी हैं, देश धर्म और संस्कृति के लिए एक एक पल जीते हैं, और उनके लिए योग धर्म, सन्यास धर्म और राष्ट्र धर्म दोनों का समान रूप से उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आज इस बालकनाथ जी महाराज जी को अपने आशीर्वादों से अनुग्रहित। ओम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य, नमः शिवेभ्यो शिवपादुकाभ्य, गोरक्षमत्सेन्द्र गुरुतमभ्यो नमो नमस्ते गुरुपादुकाभ्य। नाथ संप्रदाय की एक प्रतिष्ठित और गौरवशाली परंपरा के वाहक इस सिद्ध योग पीठ के पीठाधिपति पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज, पूरी दुनिया के अंदर भारत की योग परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले योग रसी पूज्य संत बाबा रामदेव जी महाराज, नाथ संप्रदाय के हमारे सभी प्रतिष्ठित पीर महंत स्थानधारी पूज्य योगेश्वरगण, खड़दर्शन संप्रदाय के हमारे पूज्य महामंडलेश्वर संतगण योगेश्वरगण, इस मठ की परंपरा से जुड़े हुए सभी शुभेच्छु भक्तगण, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति और पूज्य महंत जी के अनन्य सेवक डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी,
इस गौरवशाली परंपरा के साथ एक नई कड़ी आज जुड़ रही है, जब हम सब अपनी शुभकामनाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कि नाथ संप्रदाय के लिए एक गौरवशाली क्षण है कि नाथ संप्रदाय की इस परंपरा में गुरु शिष्य की परंपरा कैसे चलती है, गुरु शिष्य की उस प्रतिष्ठित परंपरा का निर्वाह नाथ संप्रदाय किस रूप में करता है। आज देश और दुनिया इस सिद्धपीठ के इस परंपरा में योगी बालकनाथ जी, जिन्हें आज पूज्य मोहन जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया है, का यहाँ पर चयन हुआ है। मैं सर्वप्रथम गोरखपीठ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर की ओर से और अपने संपूर्ण योगी महासभा की ओर से उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और पूज्य मोहन जी महाराज के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भगवान गोरखनाथ जी से करता हूँ। नाथ संप्रदाय सिद्धों की संप्रदाय, सिद्धों का संप्रदाय है। यहाँ पर आप जाएं पूरे देश के अंदर, बृहत्तर भारत में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चाहे वो अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, बर्मा हो या फिर तिब्बत, नेपाल, भूटान, या फिर वर्तमान का कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये संपूर्ण भारत, सर्वत्र आपको नाथ सिद्धों योगियों के तप और साधना से पवित्र हुए मठ, मंदिर, गुफा, धुना, खो, ये सर्वत्र मिल सकते हैं। योगियों की प्रतिष्ठित संस्था, जिसको पिछली सदी में एक नया जीवन दान प्रदान किया था, इस मठ का उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। उस परंपरा को, कितनी गौरवशाली परंपरा है, यत्र तत्र बिखरे हुए योगी संप्रदाय को एकजुट करके अखिल भारतीय वेग द्वारा पंथ योगी महासभा के नाम पर एकत्र करके उसको एक रचनात्मक दिशा देने का जो कार्य पिछली सदी में इस मठ की ओर से प्रारंभ हुआ और कुशलता पूर्वक उस परंपरा का निर्वाह पूज्य महंत चांदना जी महाराज ने यहां पर किया है और निरंतर कर रहे हैं, लोगों के लिए आश्चर्य और विस्मय का एक विषय होता है जब वह नाथ संप्रदाय को देखते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय में कभी 30 उपपंथ हुआ करते थे, आज 12 उपपंथ हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता है कि कौन किस पंथ का है। सब एक जैसे एक परिवार के हिस्से होते हैं, उसी प्रकार से हम सब एक साथ जुड़ करके पूरे संप्रदाय के संरक्षण, उसके संवर्धन में योगदान देते हैं। और आज इसीलिए कहीं भी किसी पर्व और त्यौहार पे आप देखते होंगे, कुंभ के आयोजन में देखते होंगे, सबसे अधिक सन्यासी योगी कहीं देखने को आपको मिलेंगे तो नाथ संप्रदाय के कैंप में देखने को मिलेंगे, जो बिना किसी प्रोपोगंडा, बिना किसी आडंबर के अपने परंपरा का निर्वाह करते हुए उस कैंप और उस स्थान पर देखे जा सकते हैं।